हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगता है कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ, कौन से चैप्टर के ऊपर बनाऊँ। चैप्टर का नाम है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ऑटोबायोग्राफी है, उसने खुद की कहानी लिखी है, रियल लाइफ स्टोरी है और कहानी बहुत मोटिवेटेड है। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डीप वाटर। अब विलियम डगलस अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं, ये कहानी तब की है जब मैं 4 साल का था। अरे मुझे शुरू से ही ना स्विमिंग सीखने का बड़ा मन था। मुझे याद है आज भी कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे। वो भी क्या दिन था। मैंने उस दिन बहुत मौज मस्ती की थी, और शाम के टाइम जब सनसेट हो रहा होता है तो लाइक पापा ने मुझे मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम दोनों जने सनसेट देख रहे थे। कितना ब्यूटीफुल सीन था वो। तभी क्या होता है, एकदम से एक बहुत बड़ी वेव आती है और वो वेव सीधा मेरी तरफ आती है और मैं उस वेव में गिर जाता हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन मेरे पूरी बॉडी के ऊपर से पानी निकल जाता है, मेरी आंखों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी, और मेरी सांस जा रही थी यार। मेरे को कुछ सेकंड्स के लिए सही, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। मेरे पापा हंसे, उन्होंने मुझे होल्ड कर रखा था, उन्होंने मुझे पकड़ रखा था, लेकिन वो हंसे ये देख के बच्चा कैसे गिर गया। उसके बाद उन्होंने मुझे उठा लिया। मुझे आज भी याद है, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, ये सोच के कि अगर कुछ सेकंड और मैं रुक जाता तो पानी मेरी जान ले लेती। मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई कि पानी बहुत खतरनाक चीज है। मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा लेकिन कभी बीच पे नहीं आऊंगा, कभी स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा, कभी मैं ऐसे पानी में नहीं जाऊंगा। और मेरे अंदर उस दिन पानी का फियर आ जाता है। मैं सोच लेता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करूंगा लेकिन कभी स्विमिंग नहीं करूंगा, और बस उस 4 साल की एज के बाद मैं स्विमिंग के बारे में सोचना भी छोड़ देता हूँ। ये फियर मेरी लाइफ में मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं जहां भी गया ये फियर मेरे साथ चलता रहा। 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 12 साल का हो गया, 13 साल का। मुझे लगने लग गया कि यार लाइफ में ना मैं एक पार्ट मिस कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस स्विमिंग नहीं। फियर है ना, डर है। मेरे सारे दोस्त स्विमिंग करने जाते हैं यार, मेरे सारे दोस्त बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा। फिर मैं सोच लेता हूँ कि नहीं, मुझे इस पानी के फियर को किसी भी हालत में ठीक करना है, ओवरकम करना है। भाई बहुत दिन हो गया यार पानी के फियर के साथ जी जी के, अब नहीं जीना इस फियर के साथ। फिर मैं एक YMCA पूल ज्वाइन करता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं जब YMCA पूल में अपना एडमिशन कराने गया था तो मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि चल बहुत दिन हो गए, अब एटलीस्ट मैं पानी के फियर से बच जाऊंगा, अब एटलीस्ट मेरा पानी का फियर हमेशा के लिए चला जाएगा। उस रात को मुझे नींद नहीं आई थी जिस रात को मैंने एडमिशन कराया था। मुझे कोच ने कहा था कल 8 बजे आ जाना। मेरी नींद तो बहुत जल्दी खुल गई थी क्योंकि रात को बेचैनी हो गई थी, इस बात की खुशी हो गई थी कि चल अगले दिन से स्विमिंग सीखूंगा मैं। मैं उस दिन जल्दी उठ गया और रेडी भी हो गया और YMCA पूल की तरफ निकल गया। अबे यार ये क्या, पूरा पूल खाली पड़ा हुआ है, आसपास कोई भी नहीं है। अरे यार मैं तो आधे घंटे पहले आ गया। पूरे खाली पूल को देख के मैं डर जाता हूँ। मुझे वो बचपन का फियर याद आ जाता है कि नहीं यार बचपन में मैं एक बार पानी में गिर चुका हूँ। हिम्मत नहीं होती पानी पूल के अंदर जाने की, तो मैं सोच लेता हूँ एक काम करते हैं, वेट करते हैं और बच्चों का। तो मैं पूल के डीप वाटर की तरफ, जहाँ पे डीप वाटर होता है उसकी तरफ ऊपर जो पेड़ी होती है वहां बैठ जाता हूँ, और लोगों का इंतजार करता हूँ कि जब और लोग आएंगे तो मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा। मैं पैर लटका के बैठता हूँ, तभी एक मोटा सा बच्चा आता है और वो कहता है, हेलो स्किनी, आओ मैं तुम्हें डक बनाता हूँ। और वो मुझे उसी सिटिंग पोजीशन में पानी में गिरा देता है, पानी में धक्का दे देता है, और मैं बैठे हुए पोजीशन में ही डीप वाटर में गिर जाता हूँ। फिर क्या था, अब देखो जो भी मैं बताऊंगा ये सेकेंड ऑफ सेकेंड्स में चलेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको फील हो। अब जब मैं सिटिंग पोजीशन में गिरता हूँ तो क्या होता है कि पानी का फियर वापस आ जाता है। मुझे याद है कि मैं बचपन में गिरा था, मुझे याद है कि कुछ सेकंड्स के लिए पानी मेरे ऊपर आ गया था। ये क्या है, वही पानी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ कि मैं किसी तरीके से पानी के ऊपर आ जाऊं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता भाई। अब मैं धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा हूँ, मेरे पूरी बॉडी काम नहीं कर रही, लेकिन हाँ मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। मैं एक प्लान बनाता हूँ। प्लान कैसा कि मैं जैसे ही सरफेस पे पहुंचूंगा एक बहुत बड़ा जंप मारूंगा, और जंप मार के मैं पूल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद फिर साइड में एक लोहे की रॉड को पकड़ लूंगा और फिर मैं बच जाऊंगा किस तरीके से। बस मेरा मेन फोकस ये है कि मुझे डीप वाटर में जाके अपने पैरों से जंप मारना है और ऊपर आ जाना है एक डक की तरह। मैं नीचे जा रहा हूँ, पूरी स्ट्रगल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब नीचे ना जाऊं, लेकिन स्टिल मैं नीचे जा रहा हूँ।
और जैसे ही मैं सरफेस को फील करता हूँ, मैं बहुत बड़ा जंप मारने की कोशिश करता हूँ ये सोच के कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही स्लो ऊपर आता हूँ। मैं मेन पानी के ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, अब मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ। अब मुझे सफोकेशन हो रहा है, अब मेरा दम घुट रहा है, कोई बचाए मुझे, कोई तो बचाए, कोई तो मेरी आवाज सुने, और मैं तो चिल्ला भी नहीं पा रहा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने हाथ पर हिलाने की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हाथ पर अकड़ चुके हैं। एक बहुत बड़ी ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही है। मैं जाना नहीं चाहता यार, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं स्विमिंग सीखना चाहता था, आज पहले दिन ही क्या हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई मारूंगा, मैं दोबारा से जंप मारूंगा। और मैं जैसे ही टाइल्स को फील करता हूँ, एक और जंप मारता हूँ ये सोच के कि शायद मैं इस बार ऊपर आ जाऊं। इस बार तो मैं और स्लो ऊपर आता हूँ। अब मैं क्या करूं यार, दो अटेम्प्ट मारे, दोनों अटेम्प्ट में फेल। मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता हूँ, मुंह के अंदर पानी चला जाता है। वो पानी जो मुझे अभी ब्लू दिखाई दे रहा था, यही पानी मुझे अब ब्लैक दिखाई दे रहा है। मेरे आंखों के चारों तरफ ब्लैकनेस छा गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाथ हिला पाऊं, लेकिन मैं हाथ भी नहीं हिला पा रहा। कोई तो बचा लो यार, अब मैं स्लो स्लो नीचे जा रहा हूँ। मेरे को दोबारा सरफेस फील होता है, मैं एक और जंप मारता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इस जंप से कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, बहुत स्लो हो जाता हूँ, और बस मैं सोच लेता हूँ कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब मैं मरने वाला हूँ। अब मैं सारे एफर्ट्स छोड़ देता हूँ, और मुझे अच्छा फील होता है। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो होने वाली हैं, और अब मैं सोच लेता हूँ कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। मेरे पैर, मेरे हाथ दोनों बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, और मैं धीरे धीरे जमीन पे आने लग जाता हूँ। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कोच ने मुझे बाहर निकाला है, और मैं पीठ पेट केवल लेटा हुआ हूँ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। मेरा कोच उस मोटे से कहता है, अबे ये मर चुका होता बिल्कुल। मोटा कहता है, मुझे क्या मालूम था इसे तैरना नहीं आता, मैं तो मजे ले रहा था। तेरे मजे के चक्कर में एक इंसान की जान चली जाती। कोई बात नहीं डगलस, होता है होता है। होता है क्या होता है भाई, मैं मरने वाला था। मैं ये बोलना चाहता था, पर मैं बोल नहीं पाया। मैं इस हालत में नहीं था कि मैं बोल पाऊँ। कोच मेरे बॉडी को पोंछता है टावल से और चला जाता है, और मैं कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहता हूँ। आधे घंटे हो जाते हैं, मैं वहाँ से हिल नहीं पाता। मैं कांप रहा हूँ डर के मारे, ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं पानी के फियर को जिंदगी भर के लिए मिटा दूंगा, लेकिन ये फियर ने तो मुझे और पकड़ लिया। मैं बड़ी कोशिश करने के बाद वहां से उठता हूँ और घर की तरफ चला जाता हूँ। वो फियर एक छोटे से इंसिडेंट के बाद मेरे साथ जिंदगी भर रहा, आज तो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, शायद मैं मरते मरते ही बचा हूँ। अब है कि मेरा फियर अब फोबिया में बदल गया। फियर मतलब होता है डर, फोबिया मतलब खौफ। पानी से मुझे खौफ हो गया। मैं सोच लेता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करूंगा यार, लेकिन कभी पानी के पास नहीं जाऊंगा। पानी के बारे में सोचते ही मेरे वो खौफ वापस आ जाता। बस मैंने सोच लिया कि अब लाइफ में कभी भी पानी के पास नहीं जाऊंगा। 13 साल की उम्र में ये सीन हुआ था, 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 साल के एज का हो गया हूँ मैं एक जवान, एक यंग इंसान हो चुका हूँ। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिलेटिव, आसपास की सारी दुनिया सब करते हैं स्विमिंग, सब करते हैं फिशिंग, सब करते हैं बोटिंग, मैं नहीं करता। फियर नहीं है ना, फोबिया है, खौफ है पानी का, इसलिए शायद नहीं कर पाता। लेकिन फीलिंग आती है कि यार सब करते हैं, मैं नहीं कर पाता। चल एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई। आर यू श्योर, अपने आप से कहता हूँ मैं। हाँ ना, मारते हैं। जब दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार, मैं भी करूँगा। फिर मैं एक कोच हायर करता हूँ, और उस कोच को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि भाई देखो, बचपन में मेरे साथ ये सीन हुआ, टीनेज में मेरे साथ ये सीन हुआ, मेरे को पानी से फोबिया है। इंस्ट्रक्टर जो है शुरू में क्या करता है, मुझे एक बेल्ट से बांध देता है। उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच होती है, और उस रस्सी से एक केबल, और उस केबल का कंट्रोल कोच के पास होता है। मतलब मैं चाहूँ भी तो पानी के अंदर नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरा कोच उस केबल को लूज नहीं करता। सब कुछ मेरी बॉडी उस केबल पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैं जैसे ही पानी में जाता था, तो मुझे वो पानी का फियर वापस आ जाता था। मेरे हाथ पैर अकड़ जाते थे, मेरे हाथ पैर पैरालाइज हो जाया करते थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था। मेरे कोच ने मुझे काम डाउन किया, कुछ टाइम लगा मुझे काम डाउन होने में। उसके बाद मेरे कोच ने कहा, चलो अब पैर हिलाओ, आगे पीछे मूव करो। फिर कोच ने कहा, चलो जाओ घर चले जाओ। अगले दिन दोबारा आया, दोबारा मैंने पैर मूव किए। ये प्रोसेस चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर मेरे कोच ने मुझसे कहा, चलो अब हाथों को मूव करो। फिर मैंने धीरे धीरे हाथों को मूव किया। ये प्रैक्टिस भी कई बार चला।
फिर कोच ने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर जाओ, सांस रोको। इस प्रैक्टिस को मैंने कम से कम 100 बार किया होगा। फिर मेरे कोच ने कहा चलो पानी के ऊपर आओ, सांस छोड़ो। ये प्रैक्टिस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और पीस बाय पीस, एक एक करके, धीरे धीरे करके मुझे एट द एंड स्विमिंग आ गई। मेरे कोच ने मुझसे कहा, विलियम डगलस तुम एक स्विमर बन चुके हो, या यूं कहा जाए तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो। क्या सच्ची में यार, फीलिंग नहीं आ रही कि मैं एक स्विमर बन चुका हूँ। मुझे याद है मुझे स्विमिंग करते हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, और वो फीलिंग नहीं आई। जैसे मुझसे कोच ने कहा कि तुम एक स्विमर बन चुके हो, तो वो फील नहीं आया कि सच में बन चुका हूँ। इस फील को पक्का करने के लिए कि मैं अपने फियर को हमेशा के लिए भुला चुका हूँ, इस चीज को पक्का करने के लिए मैं एक लेक में जाता हूँ और डाइव मार देता हूँ। और मुझे याद है मैं उस लेक को 2 मील तक क्रॉस कर देता हूँ। जब मैं लेक के बीचों बीच पहुंचता हूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए चारों तरफ पानी ही पानी देख के मेरे को मेरा फियर याद आ जाता है। तो मैं फियर से कहता हूँ, अरे वो फियर मैं तुझसे जीत चुका हूँ रे, और फिर दोबारा तैरना स्टार्ट कर देता हूँ। यही थी मेरी कहानी द डीप वाटर बाय विलियम डगलस। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर बनाई जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।